हरियाणा के झज्जर में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने दो युवक की जमकर पिटाई कर दी। भीड़ ने पिटाई के बाद दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि ये युवक एक 9 साल के बच्चे को पैसे का लालच देकर उसे अपने साथ ले जा रहे थे। इस दौरान बच्चे के परिजनों ने युवक को पकड़ लिया। इसके बाद भीड़ ने इन दोनों युवकों पर जमकर लात घूंसे बरसा दिए। आप भी वीडियो में देखें कि भीड़ किस तरह से युवकों को पीट रही है। क्या बात हो गई थी ये बताओ। देखो बच्चे जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमें वो चाउमीन खाने के लिए गया था, भूख लगी थी, फेरी पे से आते हैं, देर सवेर हो जाती है, तो वो वहाँ पे चाउमीन खा रहा था। तो वो छोटी बच्ची थी, बच्ची तो थी नहीं, लड़का है वो। इनका पुलिस वालों को जो कहना कि लड़का था 9 या 10 साल का, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि ये उस बच्चे ने कहा मुझे रोड क्रॉस करा दो। 10 साल का बच्चा रोड क्रॉस नहीं कर सकता, वो रोड काफ़ी चलता है, तो वो उसको बच्चे को सिर्फ रोड क्रॉस करा रहा था। और जैसे ही उसने रोड क्रॉस कराया, वो चाउमीन खा के चला था, पेट अपना भर करके फेरी पे से आया था, तो रोड क्रॉस कराया, तो रोड क्रॉस कराने के बाद एक दूसरे के अपोजिट हो गए, बच्चा इधर चला गया और वो इधर चला गया, हमारा जो लड़का था साथ का। तो फिर वो बच्चा उधर से पीछे से वापस भाग के आया, तो उस बच्चे का चाचा शायद वहाँ था, उसने सोचा कि क्यों इधर जा रहा है, तो उसने उस लड़के को जाके मारना स्टार्ट कर दिया। अब उसने अपने बड़े भाई के पास फ़ोन किया, तो उसका बड़ा भाई उसके पास पहुँचता है, उसने हमें भी कॉल की, लेकिन हमसे कोई ऐसी बात नहीं हो पाई, ठीक है। तो हमें कुछ पता नहीं था, हम तकरीबन रात के 10 बजे तक उनको ढूंढते रहे शहर में, हमें कहीं नहीं मिले। तो 10 बजे के बाद यहाँ से सिटी से फ़ोन जाता है कि आपके दो बंदे यहाँ पे इस तरह हैं, ये बात हुई। कहाँ? झज्जर में रहते हैं? हाँ, झज्जर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बेरी गेट पे। किस चीज़ का काम करते हैं? फेरी, 10-10 रुपये के प्लास्टिक के आइटम बेचते हैं, गाँव में जाते हैं, शहर में घूमते हैं, ये इस तरह का काम करते हैं, काम करते हैं बस, और कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, गरीब घर से हैं बहुत। क्या नाम आपका? मेरा नाम तनसीर। कहाँ से हो? मैं बागपत ज़िले से हूँ। कितने दिन रहते हो? मुझे तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं यहाँ पर। तो ये जो बच्चे पकड़े हैं इनको भी इतने साल हो गए? इनमें से जो बड़ा लड़का है वो तकरीबन उसको भी 8 साल के करीब हो चुके हैं, और जो छोटा है वो अभी आया, क्योंकि बड़ा लड़का जो है वो अपने बाप से अलग हो चुका, शादी होने की वजह से बाप से अलग हो चुका था, लेकिन काम साथ में कर रहे थे। छोटा बेटा बाप का सहारा बना था, घर बहुत गरीब है, कमज़ोर घर है, और लड़कियां जवान है घर पे, बस सहारा था और कुछ नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। आपको ऐसा लगता है कि जो ये अपहरण वाली बात बता, बच्चे जी को नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, झूठ है जी नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है। तो आप तो यही कहना चाहते हो कि वो बच्चे को रोड क्रॉस करा रहा था? जी जी, बिल्कुल रोड ही क्रॉस करा रहा था जी। वहाँ पे CCTV फुटेज लगे हुए होंगे, जो आप देख सकते हैं, अगर कोई ऐसी बात है, गलत बात है, तो आप सजा दे सकते हो उसको। तो ये गलत फहमी मान रहे हो? ये गलत फहमी है, ये जी ये गलत फहमी है जो ये बता रहे हैं कि बच्चे को अपहरण कर रहा था या उठा रहा था, ऐसी कोई भी बात नहीं है। झज्जर शहर में एक 9 साल के बच्चे को शाम के समय उठाने का प्रयास किया गया, भीड़ ने उनको काबू करके पुलिस को सौंपा है, तो इस मामले में आपका क्या कहना है? अंकल, शाम को सूचना मिली थी 17 तारीख कल 6 बजे कि भीड़ ने दो युवकों को पकड़ रखा है, तो उस पर पुलिस पहुंची, उनको दोनों को यहाँ लाए। उसके बाद जो कंप्लेनेंट से पूछताछ की, उन्होंने ये बताया कि हमारा जो मोनी नाम का कंप्लेनेंट था, इसका भतीजा था रवि, 10 साल का, इसको इन दो युवकों में से जिनमें एक का नाम अब्दुल वाहिद है और दूसरे नाम साबिर है, साबिर है जो 17-18 साल का था, ये उसको 20 रुपये दे के उठाने की कोशिश, 20 रुपये दिए बच्चे, फिर वो भाग गया लड़का, चल दिया। फिर उसको दोबारा एक जो शिकायतकर्ता ने बताया, उसको दोबारा ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश में था, तो इसके चाचा ने भी उसको पकड़ लिया, जो कि शिकायतकर्ता है मोनी, और भीड़ ने भी उनको पकड़ लिया था, तो उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, अभी इन्वेस्टिगेशन। दोनों के खिलाफ? हाँ, उन दोनों के खिलाफ, अब्दुल वाहिद और साबिर के खिलाफ। हाँ, कुछ इसमें जो भीड़ ने उनके साथ जो मार पिटाई की है, तो उसमें ये लोग घायल भी हुए हैं? हाँ, थोड़ी छोटे प्रतीत हो रही है ऊपर। तो आप पुलिस की तरफ से उनको मेडिकल करवाया गया है? तो जो भीड़ ने जो कानून हाथ में अपने लिया है, इनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई? लिखित में शिकायत मिलती है तो जरूर करेंगे, बिल्कुल।
दे दिए थे उसने पैसे? ना ना दिए। और पैसे किसने देगा, वो ले जाने लग रहे। क्या नाम है? कौन सी क्लास में है? जितेंद्र का। जितेंद्र? हाँ जी। कितनी उम्र होगी इसकी? 6 साल। कितनी साल? नहीं, 9। कहाँ लेके जा रहे थे वो? नौकरा। अच्छा अच्छा ठीक। आपका नाम क्या है जी? नन्नी है जी मेरा नाम। अच्छा, आपका बेटा है ये? हाँ जी, मेरा लड़का है। क्या क्या मामला था जी? ये जी बाहर खेल रहा था बच्चा मेरा। हाँ हाँ। दो लड़के, दो आए जान पहचान के थे। हाँ हाँ। आदमी। हाँ हाँ। तो मेरे लड़के को उठा के ले जा रहे थे। हाँ। तो मेरे देवर ने देखा। हाँ। तो उसने छुटाने की कोशिश की, पदापी हो गई। फिर पब्लिक जमा हो गई, तो पुलिस भी बुलाई, मारा पीटी भी हुई। तो फिर छुटा छुटा कर पुलिस ले गई वहाँ से। ठीक ठीक है, धन्यवाद। कहाँ से पढ़े लेके थे आप फिलहाल? क्या गाड़ी का दौरा था? बोला मेरे घर चल, फिर वो मैंने जबरदस्ती लेके गया था। मैंने नाट दी थी, गोदी में उठा के लेके गया था। गोदी में? फिर कितने पैसे दिए थे? रुपए कैसे देव था बेटा? 40 देव था, मैंने नाट दी। फिर मैंने, आप बेटा किसके साथ खेल रहे थे घर के बाहर? किसे गला ना, मैं बाहर खड़ा था, शोरूम के अंदर देख रहा था। अच्छा, उनके पास क्या थी गाड़ी, कोई कार वगैरह थी या बाइक थी, क्या थी? पैदल थी। पैदल थे, कितने लोग थे वो? दो। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन।